अच्छा, ये चैन भी मिट्टी की? हाँ, ये लालटेन में डल जाएगी। अच्छा, इतना मारवाड़ के लोग इतना घी खाते हैं, इससे ऐसे सीधा डाला है जी। नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। अभी मैं जोधपुर में हूँ, जोधपुर मेरे से कुछ ही किलोमीटर आगे इस रोड पे है। और अभी की बात करें तो जैसे ही पाली की तरफ से आप जोधपुर में एंटर होते हैं तो एक शानदार सी हमें दुकान दिखाई दी। इस दुकान में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मिट्टी के मटके हैं, कैंपर हैं और भी कई चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। लेकिन एक बहुत ही खास चीज़ जो हमारे झुंझुनू में भी कहीं हमें देखने को नहीं मिलती, वो लगभग ये मारवाड़ के जो पशुपालक हैं उनके सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। और अगर हमें भी वो मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो बोतल है ये आपको हमारे झुंझुनू ज़िले या और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मारवाड़ में खास करके जोधपुर नागौर हो गया, वहाँ पे ये बोतल आपको दिखाई देगी। पहले जैसे आपको पता होगा कि ये एक प्लास्टिक की बोतल है और उस पर जो सूतली या कपड़े का ये जो कलर अलग किया गया है, ये तो कपड़े की है ना, गूंथ के इस रस्सी को और फिर इसके ऊपर से कर दिया गया है। अभी इसकी खास बात ये है इस बोतल की कि थोड़ा बहुत भी पानी इसके ऊपर डालते रहेंगे और फिर जो हवा इसमें लगती है वो पानी इतना ठंडा रहता है कि वास्तव में जब तपती गर्मी में एक पशुपालक है वो अपने पशुओं को चरा के जब ठंडी छाया में बैठता है तो उसे जो आनंद की अनुभूति होती है वो शीतल जल पी के आप समझ पा रहे होंगे। तेज गर्मी पड़ने लग गई है और इस तरीके की दुकानों चारों तरफ सजने लग गई हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको इस तरीके के जो कैंपर हैं वो दिखाए थे, वो हमारे झुंझुनू जिले में ही थे। झुंझुनू मुख्यालय पर हवाई पट्टी चौराहे से जब अपने चलते हैं तो वहाँ पे मिलते थे। लेकिन ये खास चीज़, ये जो बोतलें टंगी हुई हैं, ये खास चीज़ हमें लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को मैं बताऊं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे खरीदें ही। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग कोई ऐसे हैं जो इसे गूंथना जानते हैं, जो सूतली होती है उसको और कपड़े की डोरी को, तो आप भी इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल के ऊपर इसे गूंथ कर तैयार कर सकते हैं। इसमें पानी भर लीजिए और थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी जब आप छिड़कते रहोगे तो ये इतना ठंडा पानी इस बोतल में रहेगा तो पीने का मज़ा आ जाएगा। अभी चलो इस दुकान के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये तो कैंपर हो गए और यहाँ पे ये पंछियों के लिए कुछ घोंसले टाइप बनाए हुए हैं। भाई हर चीज़ की तरफ आपको भी ध्यान देना चाहिए। तो कुछ तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ ये शो पीस हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ा देंगी। देखिए किस तरीके की चीज़ें लगी हुई हैं, लालटेन लगी हुई है। और आप अगर इसे और भी ज़्यादा खूबसूरती देना चाहें तो ये जो लालटेन वगैरह हो गई, इसमें आप बल्ब लगा के और इसे अपने घर में एक अच्छे से झूमर की तरह सजा सकते हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा था जो घोंसले टाइप, ये देखिए एक मिट्टी का बना हुआ है और इसके बाहर अंदर कुछ घास फूस है और चिड़िया के लिए एक शानदार सा घोंसला ये बन गया है। और भी काफ़ी मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, जो मटके हैं उनमें भी कई अलग अलग तरीके की डिजाइनें बनाई गई हैं। तो छोटू, ये सारी चीज़ें, ये क्या, ये घोंसले हैं क्या, ये चिड़िया के लिए है ना? ये छोटा सा बच्चा है और इसका पूरा परिवार जो ये बर्तन बेचते हैं। कितने का है ये जो घोंसला है? 100 रुपए का है ना? और वो उसमें तो अभी एक चिड़िया घुसी है मैंने देखा है, है ना? अच्छा, ये क्या है ये जो लगा रखा है इसमें क्या? अच्छा, बस सजावट के लिए कि हाँ पता चल जाए लोगों। चिड़िया बैठती है इसमें? हाँ, अंडे भी हैं। अच्छा, वो देखो, वो फिर एक चिड़िया घुसी है इसमें। ये जो है इसमें भी घुसी है ना अभी, फिर एक चिड़िया, ये तो इस घोंसले के ऊपर बैठी हुई है ना। अच्छा, ये झूमर या सजावट के लिए, घर की सजावट के लिए। छोटू, और क्या क्या मिट्टी की चीजें यहाँ पे हैं? मिट्टी की बोतल भी है और ये भी सजावट के लिए। इनमें लाइट लग जाती है क्या? अच्छा, अंदर बल्ब लग जाएगा है ना। अच्छा, और ये सारे मटके वटके हैं, कहाँ के हो आप लोग, कौन सा गांव है? काकानी। काकानी जोधपुर में? अच्छा अच्छा। और ये खूब सारे दीपक हैं, ये क्या चीज है? ये चिड़ियों के चुगलुक। अच्छा, और दाना डाल दें इसके लिए है ना, और गमले कुछ हैं। छोटू, ये क्या चीज है अभी? ये लालटेन के अंदर डालने के लिए। अच्छा, उसको लटका दी। ये भी मिट्टी का है एकदम, है ना? सारी चीजें दोस्तों मिट्टी की ये बनी हुई है, देखा ना। अच्छा, ये चैन भी मिट्टी की? हाँ, ये ऊपर कड़े के अंदर आ जाएगी। हाँ, ये लालटेन में डल जाएगी।
दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि कितना, और ये बनाता कौन है भाई, कहाँ से लेके आए? खुद बनाते हो ये सारे? आपके वो पापा हैं वो बनाते हैं? अच्छा दोस्तों, मतलब आदमी में टैलेंट और कला करती वो भरी रहती है। अभी देखिए पूरा मिट्टी की ये चैन बना दी, और वो लालटेन है वो, उसको लटकाने के लिए भी सारा मिट्टी का है ना। बल्ब तो मिट्टी के नहीं बना देते हो ना? नहीं बनाते? चलो अच्छा, ये गुल्लक। अच्छा, बच्चों को पैसे वैसे इकट्ठा करने की आदत लग जाए इसलिए शानदार से गुल्लक हैं। चलो थोड़ा सा अंदर और चलते हैं। ये तो काफ़ी चीज़ें हैं, वो तो आपने शायद हमेशा देखी होंगी। दोस्तों एक गजब की चीज और हमें दिखाई दी है आजकल, ये जो हाथ से चलाने वाली आटा पीसने की जो चक्की है ये तो लगभग जगह खत्म ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये मिट्टी की है, पत्थर क्या है? पत्थर है ना, पूरा का पूरा पत्थर है, और इस पत्थर से ये बनाई गई है पूरी की पूरी, और इस जो डिजाइने बनाई गई हैं इसे खोद गई है शायद, तैयार की गई है। ये भी जानवरों के लिए है, दाना पानी रखने के लिए, पक्षियों के लिए, और भी बहुत शानदार चीजें हैं। अच्छा कुछ ये कलाकृति भी हैं, घुमा के बताओ। देखे अच्छा, शायद ये इनका घर है, यही घर है आपका, मतलब पीछे पीछे की साइड? अच्छा यही रहते हो है ना? ये छोटू के पापा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलेश। बबलेश यहीं के हो है ना? ये जोधपुर में कौन सा गांव है? काकानी। काफी चीजें आप खुद बनाते हो ये सब? जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा पुश्तैनी काम है आपका है ना? पहले आपके पिताजी बनाते थे, फिर आप पहले, उससे पहले आपके दादा, दादाजी। बहुत ही जबरदस्त चीजें। अच्छा दोस्तों आपको और भी मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा। जैसे ये इनका घर है, सुबह सुबह का टाइम है, और ये लालटेन बड़ी शानदार, इतनी अच्छी डिजाइन की, और ये सारी मिट्टी की बनी हुई है ना? ये भी, और ये क्या, चाय की केतली? अच्छा घी के लिए है ना लालटेन, और ये पानी की बोतलें हो गई, ये सारा घी डालने के लिए। अच्छा इतना, मारवाड़ के लोग इतना घी खाते हैं, इससे ऐसे सीधा डाला है जी, बहुत जबरदस्त। और ये नमक के लिए जबरदस्त चीजें बनी हुई हैं दोस्तों। आपको बताऊं और भी, ये अच्छा खिलौने, और ये भी पूरे मिट्टी के हैं है ना, और सब आपने बनाए हैं। पानी की बोतलें भी कुछ जबरदस्त सी हैं। ये कप, ये भी मिट्टी का है दोस्तों। ऐसे कप आपने देखे जरूर होंगे, और उन कपों में क्या होता है कि वो फाइबर वगैरह के कुछ होते हैं, कलर ऐसा ही आता है, उनको देख के लगता है कि ये मिट्टी के होंगे, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल मिट्टी का है। और ये तो यूज हो सकता है, बार बार दोगे है? ऐसा थोड़ी है कि कुल्हड़ी की तरह भी पी या फेंक दिया? अच्छा, और ये भी खूब कला करती मेंढक बना दिया, ये किस काम का है भाई? अच्छा गुल्लक है जी। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीजें यहाँ पे बना के रखी गई हैं। मुझे तो ये सब चीजें देख के बड़ा मजा आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो शायद इनकी ये चीजें हैं जोधपुर के अलावा और भी कई जगह मिल जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके की चीजें मिट्टी की यहाँ बनाई गई हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।